वक्त बदल रहा है और ये बदलता वक्त अपने साथ कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। नवपाषाण युग में जो मानव आग जलाना सीख रहा था, आज वही इंसान बारबेक्यू कर लजीज खाने खा रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक समय था जब ये कल्पना की जाती थी कि आसमान में वाहन उड़ेंगे, आसमान में गाड़ियां उड़ेंगी। आसमान में गाड़ियों का तो पता नहीं, लेकिन आसमान में ड्रोन जरूर उड़ते दिखाई देते हैं। ऐसे में अगर आप ड्रोन का संचालन करते हैं और ड्रोन का संचालन करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे जरूरत के अनुसार हमारे लिए काफी मददगार साबित होते जा रहे हैं, तो ये वीडियो खासतौर से आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे ड्रोन से जुड़े कुछ ऐसे नियम, अगर जिन्हें आप नहीं मानते हैं तो जिसका भारी खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। देखिए, देश में ड्रोन के इस्तेमाल का चलन तेजी से बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने इसके लिए अनुमति लेने के लिए नए नियमों के साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म भी विकसित किया। हाल ही में दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान पीएम ड्रोन बनाने वालों और चलाने वाले लोगों से बातचीत भी करते नजर आए। सरकार के मुताबिक ड्रोन के इस्तेमाल से रोजगार बढ़ने के साथ ही आपदा राहत और कृषि के क्षेत्र में मदद मिलेगी। लेकिन ये ड्रोन उड़ाना कहीं आपको भारी ना पड़ जाए, उसके लिए एक बार यहाँ नजर जरूर डाल लीजिए। भारत में ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ कुछ जगहों पर ही हो सकता है और ये तभी संभव होगा जब ड्रोन उपयोगकर्ता सभी नियमों का पालन करे। 250 ग्राम से ऊपर वजन वाला ड्रोन उड़ाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। रिहायशी इलाकों में बिना अनुमति के ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता। एयरपोर्ट या हेलीपैड के 5 किलोमीटर के आसपास ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता। सेंसिटिव जोन या हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी वाले इलाके में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता। सरकारी ऑफिस, मिलिट्री स्पॉट, हवाई अड्डों, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, तटरेखा, सचिवालय परिसर के पास ड्रोन उड़ाना वर्जित है। ड्रोन उड़ाने वाला कम से कम 18 साल या उससे ऊपर का होना चाहिए। सभी ड्रोन एक लाइसेंस प्लेट के साथ उड़ाए जाएंगे, जिनमें ऑपरेटर का नाम और उन्हें कैसे कॉन्टेक्ट करना है ये लिखा हो। एक से अधिक अनमैन्ड ऑटोमेटिक व्हीकल UAV या ड्रोन एक बार नहीं उड़ाए जा सकते। किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 किलोमीटर के अंदर ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता। समुद्र से 500 मीटर की दूरी पर ही ड्रोन उड़ाया जा सकता है। विजय चौक, दिल्ली से 5 किलोमीटर के अंदर ड्रोन नहीं उड़ाए जा सकते। नेशनल पार्क, पब्लिक स्पॉट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आदि में भी ड्रोन नहीं उड़ाए जा सकते। अगर आप ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो ये नियम आपको दिमाग में जरूर रखने चाहिए। चाहे मेडिकल क्षेत्र हो या फिर किसानी से जुड़ा क्षेत्र, सरकार की ओर से फोकस किया जा रहा है कि ड्रोन के जरिए कैसे और भी ज्यादा सुविधाओं को सुविधाजनक बनाया जा सकता है। इसके लिए एक तरफ जहां सरकार का फोकस है, तो वहीं दूसरी तरफ युवाओं का भविष्य भी। अब मुझे दें इजाजत और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।